हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोवी टॉक आयुर्वेदा में। आज बताते हैं कि यदि आप बेवजह ही गर्म पानी पीते हैं तो आपके लिए किस प्रकार से नुकसानदायक हो सकता है। अक्सर हम लोग गर्म पानी पीने को सेहत के लिए अच्छा बताते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा गर्म पानी आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है। सर्दी जुकाम हो या फिर वेट लॉस, हम में से ज़्यादातर लोग को गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है और ये वाकई काम करता है। तब क्या हर दिन और लगातार गर्म पानी पीते रहना चाहिए, ये सही है या गलत, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि हमको सेहत के लिए नुकसानदेह मानते हैं, लेकिन आवश्यकता होने पर सीमित मात्रा में गर्म पानी पीना जहाँ सेहत के लिए फायदेमंद है, वहीं अनावश्यक रूप से लगातार गर्म पानी पीते रहना आपकी सेहत के लिए जोखिम बढ़ा भी सकता है। सेहत पर इसके दुष्प्रभावों के बारे में बता दिया जाए तो शरीर के लगभग 70% भाग में पानी होता है। यह शरीर को हाइड्रेट करता है और अंगों को अच्छी तरह से तरोताज़ा रखता है। हमें अक्सर बताया जाता है कि 6-8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अधिकांश चीज़ों की तरह अधिक मांत्रा में पानी भी हानिकारक हो सकता है। सांस फूलने की जैसे आपको सांस फूलने की समस्या है तब आपके लिए गर्म पानी ज़्यादा पीना है जो होती हैं पैदा कर सकता है। आपके मस्तिष्क और कम्युनिकेशन के सिस्टम में जो है तो दबाव के परिणाम स्वरूप सांस फूलती है, तो उसमें भी आपको दिक्कत या गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। यह इंटरनल आर्गन को भी घायल कर सकता है जहां गर्म पानी से मुंह के छाले होते हैं, तो यह अन्न प्रणाली और पाचन तंत्र को संवेदनशील परत की नुकसान पहुंचा सकता है। और दोस्तों, इसका आपके आंतरिक अंगों पर दूरगामी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि गर्म पानी का तापमान शरीर के तापमान से अधिक होता है, क्योंकि शरीर के टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री लगभग होता है, और पानी का टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा गर्म करके पीते हैं तो वो थोड़ा मैच नहीं करता है। अध्ययनों से पता चला है कि यदि आप प्यासे न होने पर भी बहुत अधिक गर्म पानी पीते हैं तो संभावना ये है कि एकाग्रता, जैसे कि आपकी एकाग्रता होती है, उसके स्तर को प्रभावित कर सकता है। आप माइंड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जब मन करे तभी पानी पिए, बहुत अधिक पानी मस्तिष्क की कोशिकाओं में सूजन भी पैदा कर सकता है, जिससे आगे आपको जटिलताएं होंगी, आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। किडनी में किस प्रकार से नुकसानदायक है, आपके शरीर से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने के लिए गुर्दे में एक विशेष कोशिका प्रणाली होती है। यदि आपको लगता है कि गर्म पानी का सेवन करने से आपके सिस्टम में विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करने में मदद मिल सकती है तो ये गलत है। किडनी नहीं बनते हैं, इसके विपरीत सिस्टम द्वारा किए जाने वाले अधिक कार्य के कारण जो अत्यधिक मात्रा में पानी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे समय के साथ किडनी खराब भी हो सकती है और दोस्तों नहीं भी खराब हो सकती है। यदि आप पानी को नॉर्मल पीते हैं जितना बताया जाता है, आप यदि प्रति 10 किलो वजन के हिसाब से यदि आप 1 लीटर पानी पीते हैं तो आपके लिए कोई भी बीमारी का कारण नहीं बनेगा। 5 अतिरिक्त पानी रक्त की मात्रा को प्रभावित करता है। अतिरिक्त पानी रक्त की मात्रा को भी प्रभावित करता है दोस्तों। आवश्यक मात्रा से अधिक गर्म पानी पीने से आपके रक्त की कुल मात्रा जाती है। गर्म पानी से होने वाले अनावश्यक दबाव आपके रक्त वाहिकाओं और हृदय को उठाना पड़ता है। इसलिए यदि आप गर्म पानी को सेहत के लिए अच्छा मानकर इसकी ज़्यादा मात्रा ले रहे हैं तो सचेत जरूर रहें और इसका ध्यान जरूर रखें। प्रति 10 किलो 1 लीटर पानी पीना है। जैसे कि यदि आप 25 किलो के हैं तो आपको 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। यदि आप 60 किलो के हैं तो 6 लीटर पानी पीना चाहिए प्रतिदिन। यदि आप इस टिप्स का सेवन करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ही आपकी बेनिफिशियल वीडियो में, तो आपको अगर बेनिफिट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।